मनीषा वाल्मीकि की प्रथम पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। मनीषा के परिवार से किया वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाए मुख्यमंत्री डॉलर बाबू करहल। बुधवार को मोहल्ला जाटवान वाल्मीकि बस्ती में हाथरस की पीड़िता बहन मनीषा वाल्मीकि की प्रथम पुण्यतिथि पर वाल्मीकि समाज महासभा सभा समाज सेवा एवं शिक्षा विकास प्रगतिशील संस्था के जिलाध्यक्ष डॉलर बाबू द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वाल्मीकि समाज के युवा एवं बुजुर्गों ने शामिल होकर बहन मनीषा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष डॉलर बाबू ने बताया कि पिछले वर्ष हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ चार युवकों द्वारा दी गई वरवरता के कारण मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के पश्चात प्रशासन द्वारा बिटिया के शव को जबरदस्ती मध्यरात्रि में ही जला दिया गया, जिससे पूरे देश प्रदेश में वाल्मीकि समाज ने रोष प्रकट किया। करहल में भी वाल्मीकि समाज व सफाई कर्मचारी वर्ग एवं सपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक आक्रोश रैली निकालकर एक दिन की हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया गया। तब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा पीड़िता के परिवार के लिए आर्थिक मदद, सरकारी नौकरी व सरकारी आवास का वायदा किया गया था, जो एक वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। इससे समाज को बहुत अज्ञात पहुँचा है, इसलिए वाल्मीकि समाज पूर्ण मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा की गई उपरोक्त मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग करता है और चारों आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाने की मांग करता है। अगर वाल्मीकि समाज की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वाल्मीकि समाज 2022 में विधानसभा चुनाव में इस अपमान का बदला लेगा। लोकसभा में बहन मनीषा को श्रद्धांजलि देने जिलाध्यक्ष डॉलर बाबू, सपा नेता शिवचरण, विनोद, महेश, दिलीप, मनोज, विक्रांत, गौरव, ऋषभ आदि लोग मौजूद रहे।